हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं 20 बेहतर तरीके जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे। कोई सी तरीका एक दिन में आपको अमीर नहीं बनाता, धीरे धीरे आप अमीर बनेंगे और चाहेंगे एक बार में बने तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो पहला तरीका है PTC साइट। इसमें आपको जा करके एक एडवर्टीजमेंट मिलेंगे, उसमें आपको जाना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट में क्लिक करना पड़ेगा। 10 से 20 सेकंड तक आपको वो एडवर्टीजमेंट को रहने देना पड़ेगा और उसके बाद आपको दूसरे ऐड में जाना पड़ेगा। आपको दिन के सिर्फ 10 ऐड मिलेंगे, ज़्यादा ऐड नहीं है, कोई बात नहीं। उसके बाद है जीपीसी साइट। जीपीसी साइट आपको यहाँ जा करके काम करना पड़ेगा, अलग अलग काम पे आपको अलग अलग पैसे मिलते हैं। उसके बाद है कैप्चा सॉल्विंग। यहाँ पे आप जब भी किसी भी वेबसाइट में अपना अकाउंट बनाने के लिए जाते होगे तो वहाँ पे आई टेस्ट के लिए एक नंबर टाइप का बनाया जाता है। जैसे कि मैं स्क्रीन में एक छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वहाँ पे आपको 1000 से 2 डॉलर मिलते हैं, ज़्यादा अच्छा अर्निंग नहीं है। उसके बाद है एडसेंस। यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट बनाना पड़ेगा और वेबसाइट बनाने के बाद वहाँ पे एडसेंस में जा करके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद आपको मिलेगा पेड अकाउंट। पेड अकाउंट के बाद वहाँ पे आपको फिलअप करना पड़ेगा। आपको पैसे कैसे घर में पहुँचने के लिए, आपका घर में पैसा पहुँचने के लिए आपको अपना एड्रेस वगैरह देना पड़ेगा। और ये ऐसा मत करिए कि उसमें एडवर्टीजमेंट से ऑप्शन आता है तो अपने ही वेबसाइट अगर आप एडवर्टीजमेंट के लिए देते हो तो आपके एडसेंस जो अकाउंट है वो ब्लॉक्ड हो जाएगा और शायद ही कभी आपके नाम पे एडसेंस बन सके, तो ऐसा काम मत करिएगा। उसके बाद है एफिलिएट मार्केट। यहाँ पे आपको एक वेब किसी भी वेबसाइट हो, फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो या फिर कोई सी भी ऑनलाइन साइट पर शॉपिंग कराने वाली साइट हो, यहाँ पे जा करके आपको ऑनलाइन किसी जैसे कि अपना फेसबुक है, फेसबुक में जा करके आप उनके चीज़ों का प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करो। अगर वहाँ आपके थ्रू कोई सा भी इंसान उस प्रोडक्ट को खरीदता है तो उसमें से आपको 10% मिल जाता है, ज़्यादा नहीं आता, कम ही रहता है। फ्रीलांस वर्क। इसके बाद है फ्रीलांस वर्क। यहाँ पे आपको एक डेली बेसिस में होते हो, मतलब आपको कभी भी निकाला जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसको परमानेंट नहीं मान सकते। अगर आपको कोडिंग आती है, जैसे कि मैं कोई वेबसाइट बनाना चाहता हूँ या फिर कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहता हूँ और मेरे को कोड नहीं पता यहाँ पे कौन सा कोड लगाना चाहिए, तो वहाँ पे आप जा करके आपसे कोई कोड खरीदेगा और उस कोड को खरीदने के बेसिस में आपको पैसा मिलेंगे। उसके बाद है ऐप डेवलपमेंट या फिर वेबसाइट डेवलपमेंट। किसी भी ऐप या वेबसाइट तो बनाते हो तो उसके बेसिस में आपको जितना आपका पैसा बना होगा उस हिसाब से आपको पैसा मिलेंगे ऐप वेबसाइट या फिर ऐप डेवलप करने के। इसके बाद है YouTube। मोस्ट ऑफ पीपल जानते हैं कि कैसे YouTube से पैसा कमाते हैं, तो अगर आपको नहीं पता है तो फिर बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको अपना वीडियो बनाना पड़ता है, ऐसा वीडियो जो कि लोगों को अट्रैक्ट करे अपने तरफ और आपको इसमें मिलते हैं जो कि आपके वीडियो में एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं उसका पैसा आपको मिलते हैं। YouTube में आपका वीडियो डालते हैं और YouTube आपका अकाउंट को एडसेंस से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे कि मैंने इससे पहले वाले में बताया था कि एडसेंस से कैसे कैसे पैसा कमाते हैं, मगर इसमें आप YouTube चैनल को भी अपने एडसेंस से कनेक्ट कर सकते हैं और उससे पैसा कमा सकते हैं। इसमें आपको मोनेटाइज करना पड़ेगा और इसमें YouTube में वीडियो डालने के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। आपको YouTube पर में अकाउंट बनाने के लिए आपको जीमेल अकाउंट की जरूरत पड़ेगी और उसके बाद अपलोडिंग करना पड़ेगा और उसके बाद अपने वीडियो को दोस्तों तक बताओ, जितना आपका वीडियो देखेंगे उतना आगे एंड में आपका पैसे मिलेंगे, मगर इसमें ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं, पर 1000 व्यू में आपको 1 डॉलर मिलते हैं या फिर उससे भी ज़्यादा मिल जाते हैं, मेरे को उतना अच्छा आइडिया नहीं है। ये एकदम मस्त तरीका नहीं है जो कि अभी तक मेरा उतना अच्छा मिल जाएंगे। डेटिंग जॉब। यहाँ पे आपको आर्टिकल लिखना पड़ेगा, जैसे ब्लॉग ब्लॉग वेबसाइट्स हैं,
ब्लॉग, ना कि ब्लॉग वाला, बैन वाला ब्लॉग नहीं, ब्लॉग वेबसाइट है जहाँ पे आपको आर्टिकल अपने सोच वोच बताना है, सोच बताना पड़ता है कि आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, और उसके ऊपर 500 वर्ड तक लिखना पड़ता है। 500 वर्ड बहुत होता है, इंग्लिश में 100 या 200 वर्ड में हम लोग की बात लगती है। तो यहाँ पे आपको 500 वर्ड में आपको मिलते हैं 300 रुपये। 500 वर्ड का एक आर्टिकल लिखो, उस पर आपको 300 रुपये मिलेंगे। इसके बाद है अपना मैक्रो वर्किंग, यहाँ पे आपको पेमेंट मिलती है 15,000 मंथली, ना कि डेली। आपको यहाँ पे अलग अलग काम करने पड़ सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, रेटिंग करना पड़ेगा अलग अलग कम्युनिटी कम्युनिकेशन साइट में, कम्युनिकेट करना पड़ेगा अलग अलग साइट से, और यहाँ पे आपको फाइंड करना पड़ेगा कॉन्टैक्ट, और छोटे छोटे आर्टिकल लिखने पड़ेंगे जैसा वहाँ पे आपको मिलेंगे। इसके बाद है सेलिंग ऑन फाइवर, यहाँ पे आपको क्या होता है कि आप वेबसाइट है फाइवर, यहाँ पे आपको जाके अपना अकाउंट बनाना पड़ता है। वहाँ पे जो भी आप अपना कंप्यूटर में काम कर सकते हो, जैसे कि हम लोग बनाते हैं फ्रंट पेज या फिर अलग अलग चीज़ करते हैं, जहाँ पे आपके कस्टमर को जैसा आपसे डिमांड होगा वहाँ जा करके आपको 3-4 दिन के अंदर का टाइम होता है, वहाँ पे आपको उतने दिन में काम करके अपने कस्टमर को प्रोवाइड करना पड़ता है वो काम। और इसमें आपको जिस हिसाब से आपका होता है डील, जैसे कि $5 आपको एक काम का मिलता है, उस हिसाब से आपको $5 मिल जाएगा आपके अकाउंट में। और अगर आप एक्सप्रेस वर्क करते हो, एक दिन में आपको एक काम कर दिए जल्दी कर दे रहे हो, तो $10 मिल जाएगा। अच्छा खासा अमाउंट होता है, $10, $5, $5 मतलब ₹300, और $10 मतलब ₹600। एक काम का अगर ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, अपना स्पीड दिखा सकते हो, आपके ऊपर है। बिकमिंग ऑनलाइन सेलर, इसमें क्या होता है, आपको फ्लिपकार्ट या अमेजोन टाइप की साइट में जाना पड़ता है, घर घर भटक भटक करके उन लोगों का प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, सेल करना पड़ता है। वहाँ पे आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, उनसे जैसा डील होती है आपकी, उस हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। ये आपके ऊपर है, आप कितना अच्छा वर्क कर सकते हैं वहाँ पे। इसके बाद है डोमिनेट ट्रेडिंग, जैसे जानते हो कि डोमेन नेम होता क्या है, अगर नहीं जानते हो तो डोमेन नेम का मतलब होता है जो कि अपन लोग लिखते नहीं है, www.facebook.com, youtube.com, google.com, तो जो www के बाद आता है उसको बोलते हैं डोमेन नेम ट्रेड। या क्या होता है कि जब आप डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन करा देते हो, जैसे कि अगर मैं पहले से एक डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन करा चुका हूँ, और किसी अमीर इंसान को वो डोमेन नेम पसंद है, तो अमीर इंसान है उसको क्या पड़ेगा फर्क पड़ने वाला कि कितना पैसा है, तो वो आपको पैसा देके खरीदेगा। और इसमें कभी कभार आपको रजिस्ट्रेशन करने के भी पैसे मिलते हैं, तो आपके ऊपर है कि एक डोमेन नेम को आप खरीद करके बेचते हो या फिर पहले से रजिस्ट्रेशन करा करके बेचते हो, आपके ऊपर है। आपके बाद इसके बाद है प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड कंटेंट, से अगर आप टीचर हो या फिर कोई सी भी नॉलेज आपको आती है, क्लास 9 से लेकर के 12 के बीच की स्टडी आती है, डॉक्टरिंग कर रहे हो, जो भी आप एक्स्ट्रा जॉब कर रहे हो, आपके पास टाइम बचता है या फिर आप जॉब नहीं कर रहे हो, तो ये सब साइट नीचे साइट है, जैसे मैं वीडियो में डाला हुआ हूँ, तो उसमें आपको जाकर के वेबसाइट में जाना है, आपका अकाउंट बनाना है, आपको अपने पेज का एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा फेसबुक में, ताकि लोग आए आपसे आपकी राय ले, अगर डॉक्टर है तो आपसे ट्रीटमेंट करें, ऑनलाइन ट्रीटमेंट अच्छी बात है। और उसके बाद है टीचिंग, ऑनलाइन टीचिंग, जैसे कई ट्यूशन टीचर होते हैं अच्छा नहीं पढ़ाते, स्कूल में अच्छा नहीं पढ़ाते, तो यहाँ पे आप करके आप अपना प्रॉब्लम दे सकते हो और उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। इसमें आपको अकाउंट बनाते हैं, आपको कुछ पैसा देते हैं, उसमें एडवर्टीजमेंट आते हैं, उस चीज़ के आपको पैसे मिलते हैं। उसके बाद है अर्निंग फ्रॉम मोबाइल, अच्छा तरीका बोल सकते हो अगर आपके पास इतना अच्छा आइडिया नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो यहाँ पे आपको 10 ऐप मिलते हैं नीचे स्क्रीन में है। यहाँ पे आपको जा करके वीडियो गेम खेलना, वीडियो वॉच करना, ऑनलाइन बुक पढ़ना वगैरह जो भी काम करना है वो कर सकते हैं, मगर ये उतना अच्छा तरीका नहीं, चूंकि आप जितना कमाओगे उसमें ज़्यादा का आपको इंटरनेट डाटा जा चुका रहेगा। ये तरीका तब से अच्छा है कि अगर आपके आसपास अगर आपको वाईफाई का किसी का सर्वर मिल रहा है और पासवर्ड पता है तो ओपन करके काम कर सकते हो, वरना ये उतना अच्छा तरीका नहीं है। इसके बाद है ऑनलाइन सेलिंग फोन, यहाँ पे आपको वेबसाइट दी हुई है, यहाँ पे जा करके आपने वेबसाइट को जाना है, वेबसाइट में जा करके आपका बाहर कस्टमर है उस पर जा करके आपको उसे फ़ोन खरीदो, वेबसाइट उस वेबसाइट में आप अपना फ़ोन का बताइए
या नया फोन हो या फिर पुराना फोन हो, आप उसका एडवर्टीजमेंट करें, आपके थ्रू लोग लेंगे, आपको उसका कुछ परसेंट शेयर मिलेगा। अगर आप सेकेंड हैंड फोन बेचते हो तो उसका जितना में आप बेचोगे उतने का मिलेगी, कस्टमर जो आएगा आपको जिस एग्री हो गया उसका डील से। तो उसके बाद OLX, सब जन जानते हो OLX में बेच दे, तो शायद इसको नहीं बताना जरूरी नहीं है। थैंक यू। जाते से पहले अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है उसको दबा दीजिए, क्योंकि अगर आपको जितने भी मैं लिस्ट बताया हूँ उनमें से अगर किसी चीज़ में भी अगर डाउट हो तो क्या कमेंट में लिख दो, और उसके बाद में और डीपली में जाना है तो सब्सक्राइब और लाइक तो बनता ही है, इतना मेहनत कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।